तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ जीरो से हमें क्या सीखने को मिला था, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस किन्हें कहते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस जस्ट पी ऑफ एक्स का ही सोल्यूशन होता था, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि उनको किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो ये डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, इनमें नंबर ऑफ जीरोस की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू पाई, यानी कि ये एक्स एक्सिस का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस दे रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, ये बाय नेगेटिव और ये बाय पॉजिटिव। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स का कितना सोल्यूशन होगा, तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रही है। देखिए ये सिर्फ बाय एक्सिस को ही टच कर रही है, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे कोई भी एक कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर से नहीं गुजरा है, यानी कि एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफ इज जीरो। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हम ग्राफ को देखते हैं, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये बाय पॉजिटिव है, और सॉरी ये बाय नेगेटिव है और ये बाय पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो ग्राफ गया है, ये जो ग्राफ गुजरा है वो देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार उसने टच किया है, ये भी एक्स एक्सिस का नहीं है, ये क्योंकि बाय एक्सिस का है, सिर्फ वन टाइम, एक ही बार उसने एक्स एक्सिस को टच किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू बाय इज वन। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो वन होगी। इसी तरह से ये जो थर्ड पार्ट है इसमें, यहां पे देखिए वन टू और थ्री, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, थ्री। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस वन टू, तो इसका आंसर टू होगा नंबर ऑफ जीरोस के लिए, इसका आंसर थ्री होगा। और यहां पे देखिए वन टू थ्री फोर, सो आंसर इज फोर। और यहां पे देखिए वन टू थ्री, सो आंसर इज थ्री। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो इसके लिए थ्री होगा, इसके लिए फोर होगा, इसके लिए टू होगा, इसके लिए थ्री होगा, इसके लिए वन होगा और इसके लिए जीरो होगा। तो इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज 2.1 है वो फिनिश होता है, और आपने यहाँ पे क्या सीख लिया, नंबर ऑफ जीरोस को किस तरह से फाइंड करते हैं। पॉलीनोमियल मैंने आपको बता दिया था कि मैनी टर्म्स, यानी कि ऐसी टर्म्स जिसमें बहुत से टर्म्स जो है वो एड अप हुई हैं, जिसमें कांस्टेंट भी हैं, जिसमें वेरिएबल भी हैं, जिसमें पावर भी हैं, लेकिन पावर जो होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है।